बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उसामा शिराजी, आप खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि शलजम गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास है बीफ 1 kg यानी 1 किलो। अगर आप मटन या फिर चिकन भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, सेट कर देते हैं। ये हमारे पास है 1.5 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये दरमियाने साइज़ के 7-8 हरी मिर्चें जो हम लोगों ने पहले से काट ली थी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हसबे जायका, और ये दरमियाने साइज के 2 प्याज, 1 अदर टमाटर दरमियाने साइज का। सारी चीजें देखची में डाल देंगे। ये पानी है 4 गिलास लगभग। काली मिर्च डालिए, सूखा धनिया, जीरा था, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब कुछ इस तरह अंदर ऐड कर लेना। और ये हरी मिर्चें, प्याज, इसे पूरी तरह ऐड कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स, ये कि पूरी तरह से हो गया। अब आधे घंटे के लिए दरमियाने सी आंच पे पकाएंगे। आग ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा हल्की, और ढक्कन ऊपर रख देना है। आधे घंटे के लिए इसके अंदर चम्मच नहीं हिलानी। दरमियानी आंच पर पकाना है और आधे घंटे तक हिलाना नहीं है। ये बार नया चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। अभी ये कुछ हो गया, अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे 2 बड़े चम्मच और अच्छी तरीके से भून लेंगे। टमाटर का बीज कितने डालेंगे? फ्रेंड्स, ये देखिए टमाटर अंडा डाल लिए हैं। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह। माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये शलजम जो ये भी इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऊपर ढक्कन रख देंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 10 मिनट तक ढक्कन रख के भूलेंगे। तो व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर शोरबा बनाएंगे यानी पानी डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अब बस शोरबा बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये 3 गिलास पानी है, अभी शोरबा बनाने इसके अंदर ढक्कन ऊपर रख देना।
अब तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है और ये शलजम भी पक गया है। 20 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे, ढक्कन रख देना ऊपर। तो व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं और कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, तो अब ऊपर धनिया डालेंगे। हरा धनिया अब डालेंगे ऊपर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऊपर ढक्कन रख देंगे 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स शलजम गोश्त का कलर थोड़ा लाइट है क्योंकि सुरख मिर्च मैंने नहीं डाली, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं पसंद नहीं करता, इसलिए अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा कम है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अंदर। अब आयशा को सर्व करते हैं और फीडबैक लेते हैं कि कैसा बना है। जी ऐशा कैसा बना? अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों के साए में रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, इसी तरह बच्चों के दस्तरखान ग्रुप को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।